हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो सरोजिनी नगर का बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग गिव अवे और उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड एंजॉय दिस वीडियो। और अब हम स्टार्ट करते हैं ये इस वीडियो को, जो कि मैं हमेशा अपने लैंडमार्क से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज शॉप नंबर 101 और यहाँ इसके नीचे आपको काफ़ी सारे ज्वेलरीज के कलेक्शन 30 रुपये से लेकर 50 रुपये में मिल जाएंगे। और इसी लेन में आगे चलते हुए मुझे काफ़ी सारे बूट्स वगैरह के ऑप्शंस दिखते हैं, जो कि ये जो पर्टिकुलर शॉप है ना 103, यहाँ पे आपको हमेशा बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में और डिफरेंट लेंथ के बूट्स मिल जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे सरोजिनी नगर आ रहे हैं तो सरोजिनी नगर आने के बाद अगर बूट्स के मामले में अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो यहाँ आके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे पैरेलली भी इसी लेन में काफ़ी सारे डिफरेंट लेगिंग्स, ड्रेसेस वगैरह की वैरायटीज इस वक्त मुझे दिख रही थी मार्केट में। थोड़ा सा आगे चलते ही अगेन मुझे बूट्स, बेलीज वगैरह के भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे थे। ये मेरे ख्याल से एक नया शॉप दिख रहा था मुझे, जो कि मैंने पहले बूट्स वगैरह तो इनके शॉप पे नहीं देखे थे। यहाँ पे बेलीज और फ्लैट्स के कलेक्शन 200 रुपये में मिल जाएंगे। और आगे चलते ही यहाँ पे शॉप नंबर 108 के आगे यहाँ पे दो डिफरेंट स्टॉल्स इन्होंने लगाए हुए थे बाहर। एक ब्लेजर्स का, जहाँ पे आपको 100 रुपये में ये सारे ब्लेजर्स दिख रहे थे एंड क्वालिटी वाइज भी काफ़ी सही थे। कुछ कुछ मुझे लगे कि थोड़े थोड़े निशान वगैरह थे कुछ कपड़ों में। ब्लेजर्स वगैरह होते हैं, कोट्स होते हैं, बट लास्ट टाइम कंपैरेटिवली मुझे काफ़ी बेटर क्वालिटी दिखी थी इस पर्टिकुलर स्टॉल की। लेकिन जो दूसरा इनका स्टॉल है ना, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बाहर यहाँ 50 रुपये का इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ पे काफ़ी सारे जंपर, स्वेटर्स, कार्डिगन्स के कलेक्शन आपको दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे जो मोस्टली कलेक्शंस आप देख रहे हैं वो 50 रुपीज़ के थे और स्वेटर्स वगैरह की वैरायटीज़ भी मुझे काफ़ी सही लग रही थी बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छे से चेक किया था, रोएं वगैरह भी नहीं थे। जनरली 50 रुपीज़ का जो स्टॉल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दाग वगैरह या रोएं वगैरह की प्रॉब्लम दिखेगी, बट ये यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स के H&M, मैनहट्टन के भी काफ़ी अच्छे प्रॉपर जंपर्स एंड कार्डिगन्स वगैरह दिख रहे थे। आगे चलते ही काफ़ी सारे मुझे इस बार ज्वेलरीज के न्यू ईयर पे कलेक्शन दिखे थे, पूरे के पूरे रिवाइज्ड कलेक्शंस और काफ़ी न्यू कलेक्शन, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ज्वेलरी का एक अलग से ही वीडियो बना दूंगी। नाउ श्रग्स के भी काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटीज़ दिख रहे थे मुझे। ये जो स्टॉल है ना, यहाँ पे सारे ये ज़ारा विमेन का और ज़ारा बेसिक का ये सारे श्रग दिख रहे थे। आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इट इज़, बट क्वालिटी वाइज तो अच्छी थी क्वालिटी, रोएं वगैरह रेशे नहीं थे और किसी भी तरह का कोई भी जो होता है थोड़े बहुत आपको दाग वगैरह मिल जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं था। सो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। ड्रेसेस की अगर मैं बात करूँ, ये जो सारे आप ड्रेसेस देख रहे हैं ना, ये सारे ड्रेसेस थोड़े से विंटर के साथ को ध्यान में रखते हुए थे, मतलब जो समर वाले ड्रेसेस की तरह लाइट नहीं थे। नाउ इसमें अंदर की तरफ आपको थोड़े गर्म कपड़े का वो जो फैब्रिक होता है ना, वो मिलेगा। इसी के पैरेलल में काफ़ी सारे आपको शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे 100 रुपीज़ के काफ़ी ब्लेजर्स और टर्टल नेक वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। सरोजिनी नगर में इस बार मुझे इतना समझ में आ गया कि समर्स के कलेक्शंस आने अब शुरू हो गए हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे जो भी समर्स के कलेक्शन आप देखेंगे वो तो लास्ट ईयर का ही है, बट मैंने जितना बात किया था शॉपकीपर से, यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि फेब से आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो विंटर्स के कलेक्शन आपको धीरे धीरे अब कम होते हुए दिखेंगे मार्केट में, बट फ़िलहाल इस वीडियो में तो काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हो कार्डिगन्स, स्वेटर्स, काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं जिनमें लेस की डिटेल डिटेलिंग्स है। पर्ल का तो आई वुड से कम बैक हुआ है हर एक तरह से। लाइक पर्ल के आपको काफ़ी सारे कार्डिगन्स दिखेंगे जिनके बटन्स पर्ल में है, ज्वेलरीज में भी आपको काफ़ी सारे पर्ल्स में ऑप्शंस दिखने वाले हैं जो कि मैं आपको अपने ज्वेलरी कलेक्शन वाले वीडियो में दिखाऊंगी। नाउ बिनीस वगैरह, बैरेट, ये सारे काफ़ी अच्छे हुडीज़ वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे कैप्स वगैरह यहाँ पे थे। नाउ 150 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ की रेंज में। किड्स वेयर के बारे में भी आप लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि किड्स वेयर होते हैं या नहीं, सो यहाँ पे किड्स वेयर के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये सारे आपको 100 रुपीज़ के दिख रहे हैं ये स्टॉल्स। एंड बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे वुलन के कलेक्शंस हैं। दो तीन मैं आपको लेन बता देती हूँ। एक तो इस लेन में ये जो 101 के जो सीधा वाला जो लेन है वो, इसके अलावा आपका जो HDFC और ICICI बैंक का ATM आपने देखा होगा वो वाला जो लेन है ना, वहाँ पे भी आपको बच्चों के लिए काफ़ी सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। नाउ कुर्तीज़ में भी मैंने पूरा अच्छे से ओपन करके देखा था। कुछ समर के कलेक्शंस थे 350 रुपीज़ में, और कुछ विंटर्स, मतलब जो अंदर से थोड़े से गर्म कपड़े इन्होंने प्रोवाइड किए थे, थोड़े मोटे होते हैं समर्स के कंपैरिजन में, तो वो भी मिल रहे थे। नाउ जॉगर्स वगैरह और थोड़े बहुत मुझे कार्गो टाइप के पैंट्स दिख रहे थे, वो भी अवेलेबल थे। नाउ ये सारे आप जो स्वेटर्स देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। लाइक आई जस्ट लव द क्वालिटी। इसमें प्राइस लिखा था 1999 एंड क्वालिटी वाइज वाकई अच्छी क्वालिटी थी एंड कलेक्शंस वाकई अच्छे से। ये 200 रुपये का स्टॉल था एंड इनके पास कलेक्शंस वाकई सही में, मुझे जितना समझ में आया कि जितने आपको अगर न्यूट्रल फैब्रिक में, अगर आप न्यूट्रल कलर्स में जाना चाहते हैं तो उसमें वैरायटीज़ काफ़ी सारी हैं। अगर आपको थोड़े वाइब्रेंट कलरफुल जंपर्स पसंद है ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। नाउ साड़ीज़ वगैरह के भी काफ़ी सारी शॉप्स में आपको सेल दिख जाएंगी। सो अगर आप साड़ीज़ एंड सूट्स वगैरह सर्च कर रहे हैं, गाउन्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको इस वक्त सेल के ऑप्शंस काफ़ी दिख जाएंगे। नाउ बैग्स वगैरह, स्लिंग बैग्स के भी ऑप्शंस आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे सरोजिनी नगर मार्केट में। डेनिम्स में भी काफ़ी वैरायटीज़ है, स्वेटर जंपर्स में भी काफ़ी डिफरेंट कलेक्शंस हैं। 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ के स्टॉल्स लगे रहते हैं। कुछ कुछ स्टॉल्स तो 150 रुपीज़ के भी हैं, बट मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर आप जो नीटेड स्वेटर्स वगैरह देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कहीं से कुछ कटा फटा ना हो। और अगर आपका जो हाई नेक वगैरह है, आजकल हाई नेक में भी काफ़ी वैरायटीज़ आ गई हैं। मैं आगे चल के भी आपको दिखाऊंगी कि हाई नेक की भी कैसी वैरायटीज़ होती है। ये तो फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ना, ये नीटेड क्वालिटी है। नाउ अगर आप श्रग्स वगैरह भी देख रहे हैं और ट्रेंच कोट्स अगर आप सर्च कर रहे हैं, वो भी आपको काफ़ी मिल जाएंगी। नाउ दिस इज़ द टर्टल नेक जो कि मैं आपको बता रही थी। नाउ इट हैज़ रोमांटिक फ्रिल्स ओवर देयर, और इस तरह के जो टर्टल नेक्स है ना, वो 100 रुपीज़ का काफ़ी सारे डिफरेंट स्टॉल्स में मिल जाएंगे आपको। और नीटेड स्वेटर तो वैसे मैंने आपको बताया ही कि काफ़ी सारे स्टॉल्स में आपको नीटेड स्वेटर्स भी मिल जाएंगे। नाउ कुछ कुछ जो आजकल मुझे दिख रहे थे H&M के, जो आजकल जो फ्रिल्स वाले और थोड़े लेस डिटेलिंग वाले जो कपड़े होते हैं, वो भी आपको सेम डिज़ाइन में मिल जाएंगे यहाँ पे सरोजिनी नगर में। पैंट्स वगैरह की बात करूँ, ट्राउज़र्स में और शर्ट्स में भी काफ़ी ऑप्शंस थे यहाँ पे। नाउ अगर आप ये सारे शर्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, तो भी आपको 100-150 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ट्रैक पैंट्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं, तो ट्रैक पैंट्स में भी इस बार काफ़ी वैरायटीज़ मुझे डिफरेंट स्टॉल्स में दिखी थी। तो क्योंकि सर्दियां हैं तो शूज़ के कलेक्शंस काफ़ी सारे हैं मार्केट में। एंड सीक्विन वगैरह और लेदर जैकेट्स अगर आप सर्च कर रहे हैं ना, तो दिस इज़ द शॉप अपोजिट टू सेठी जूस कॉर्नर, जहाँ पे आपको लेदर के जैकेट्स और सीक्विन ड्रेसेस और क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे। सेठी कॉर्नर के ही सामने यहाँ पे एक आपको नीचे बूट्स के कलेक्शंस के भी काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी, जो भैया नीचे लगाते हैं बूट्स वगैरह। इसी लेन में लाइक सीधे चल के यहाँ पे ये 90 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के काफ़ी सारे डिफरेंट ऐसे स्टॉल्स थे जहाँ पे इनके पास काफ़ी डिफरेंट श्रग्स और स्वेटर्स के कलेक्शंस थे। सो स्टॉल्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो विंटर्स के जो स्टॉल्स है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा चेक्स प्लेड फैब्रिक में आपको दिख जाएंगे। नाउ दीज आर लाइक रियली वेरी सॉफ्ट, और ये जो कलेक्शंस है ना, ये इनमें दो तरह की वैरायटीज़ हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही ये जो स्टॉल है ना, ओ माय गॉड, 90 रुपीज़ का ये स्टॉल। इनके पास इतने सारे अच्छे कलेक्शंस थे गाइस, स्कर्ट्स के इतने वैरायटीज़ थे इनके पास, पेंसिल स्कर्ट से लेके मिनी स्कर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। आई वुड से हुडीज़ वगैरह और स्वेटर्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे इनके पास। सो मैंने काफ़ी कुछ लिया है जो मैं अपने हॉल वीडियो में बताऊंगी। अगर आप न्यूट्रल कलर्स भी देख रहे हैं ना, तो न्यूट्रल्स में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस आपको हर एक चीज़ में मिल जाएंगे। सो आपका जो पैलेट है, टेस्ट है। नाउ दिस इज़ द हाउस टू जैकेट। सो दिस इज शॉप नंबर 137 और यहाँ पे हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ क्योंकि आपको इस शॉप के कलेक्शंस हमेशा पसंद आते हैं गाइज। एंड एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर शॉप की कलेक्शंस हमेशा आपको ओवर द टाइम आपको सेम मिलेगी, बट कुछ कलेक्शंस ऐसे हैं जो रिवाइज हुए हैं जिन पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहती हूँ। एक तो ये जो आप बलून, काइली जेनर का बलून ड्रेस की आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते थे मुझे कि उस शॉप के बारे में बताओ, तो बीच में जो लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था उस समय इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट अगेन इनके पास स्टॉक में आ चुका है। सो अगर आपको बल्क में परचेज़ करना है तो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और आप वहाँ पे मुझे DM कर दो, तो मैं इनका नंबर शेयर कर दूँगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो जाती है गाइज। सो इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू बाय इन बल्क तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझे वहाँ पे DM कर दो, मैं आपको शेयर कर दूँगी ये सारे जितने भी ड्रेसेस हैं। पॉम्पॉम ड्रेस की भी ये शॉप इतना ज़्यादा डिमांड में था गाइज, ओ माई गॉड, यू गर्ल्स वेंट क्रेजी। एंड अगर आपको पॉम्पॉम ड्रेस भी चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, DM कर दो मुझे, आई विल प्रोवाइड हिज नंबर बिकॉज़ अभी मार्केट में सिर्फ इसी शॉप पे पॉम्पॉम ड्रेस मुझे अच्छी क्वालिटी में दिखी थी एंड दे हैड सम अमेजिंग कलेक्शन। साइज़ वाइज की मैं अगर बात करूँ तो इन्होंने बताया था कि साइज़ में मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज है शायद इनके पास। सो और इनमें इनके पास ऐसे नियॉन में भी काफ़ी सारे टॉप्स थे जो कि आपको पफी स्लीव्स वाले जो टॉप इस वक्त अभी ट्रेंडिंग में है वो भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे इन डिफरेंट कलर्स। नाउ दे हैव डिफरेंट कलर शेड्स और डिफरेंट चार्ट्स थे। आगे चलते ही यहाँ पे काफ़ी सारे डांगरीज वगैरह मुझे दिखे थे एंड दीज वेयर ऑफ, पहले तो जो मैंने लास्ट वीडियो दिखाया था और मैंने लिया भी था तब, ये 50 रुपीज़ का स्टॉल था। अभी ये इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ करके 100 रुपीज़ कर दी है। यहाँ पे डांगरी वगैरह की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, डिफरेंट आपको टाइप्स ऑफ डांगरीज मिल जाएंगी इनके पास। आपको शर्ट्स में जो डेनिम शर्ट्स हैं उनके भी काफ़ी अच्छे रेंजेज़ हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते ही ये स्वेट फैब्रिक में एंड थोड़े बहुत जो वेलवेटी टच होता है ना, वैसे वाले कपड़े थे यहाँ। और इस स्टॉल में आपको काफ़ी सारे स्वेट एंड वेलवेट के टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। आगे चल के 80 रुपीज़ का जो टॉप था वहाँ पे काफ़ी सारे समर्स के कलेक्शन थे, बट मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे। अगेन जो 50 to 80 रुपीज़ वाला जो स्टॉल होता है ना, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ श्रग्स, ट्रेंच कोट्स वगैरह के भी काफ़ी डिफरेंट कलेक्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एंड ये जो सारे आप देख रहे हो ना डिज़ाइंस, ये सारे मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ तो एकदम ही न्यू है मार्केट में। सो इस पर्टिकुलर स्टॉल में आपको काफ़ी सारे ब्लेजर्स, कलरफुल ब्लेजर्स एंड जैकेट्स वगैरह दिख जाएंगे। नाउ कुछ कुछ जगहों पे मुझे जो समर वाले ब्लेजर्स है ना वो भी दिख रहे थे, तो एक तरह से मैं ये ज़रूर कंक्लूड कर सकती हूँ कि सरोजनी नगर में अब समर कलेक्शंस नेक्स्ट मंथ से आने वाले हैं। सो अगर आप फुल फ्लेज्ड विंटर कलेक्शन की शॉपिंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ द मंथ वेयर यू शुड सर्टेनली गो, और जहाँ पे आपको मैक्सिमम कलेक्शन दिखेंगे और ये सारे आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में मिल भी जाएंगे। सेम जो शॉप 137 था उसके कुछ कुछ कलेक्शंस मुझे दूसरी दूसरी शॉप्स पे भी दिख रहे थे, जैसे कि ये नियॉन का जो आप देख रहे हो ना, इनमें डिफरेंट वैरायटी जो पफी स्लीव्स वाले थे। एंड आगे चलते ही काफ़ी सारे आपको नाइट वेयर्स के भी आपको ऑप्शन दिखेंगे। अदरवाइज़ आप अगर घर में पहनने के लिए नॉर्मल ऐसे थोड़े से फर वाले या फिर फॉक्स फर्स जिसको कहते हैं वो आप अगर लेना चाहते हैं। शूज़ वगैरह के कलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मार्केट में स्पोर्ट्स शूज़, स्नीकर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 350 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। अगर मैं बूट की बात करूं ना तो बूट में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और 400, 500 से स्टार्ट हो जाती हैं, जो नीचे जो रेडी वाले लगाते हैं। अगर प्रॉपर शॉप में अगर आप जाके देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा शॉप की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस भी डिफरेंट रहती है। बेल्ट्स के भी काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटीज़ मुझे दिख रहे थे। आगे चल के भी मैं आपको काफ़ी डिफरेंट बेल्ट्स की वैरायटीज़ दिखाऊंगी, जो कि अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट का है तो यू कैन थिंक ऑफ इट। 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं ये सारे बेल्ट्स। कोट, जैकेट्स वगैरह तो आपको मैं दिखाती ही जा रही हूँ कि कितने अच्छे कलेक्शंस हैं। इसके अलावा आपको बॉम्बर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। बॉम्बर्स के अलावा आपको नीटेड स्वेटर्स और स्वेड में जो स्वेटर्स हैं ना वो भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सरोजनी नगर में। नियॉन में भी काफ़ी सारे मुझे स्वेटर्स एंड श्रग्स के ऑप्शंस दिख रहे थे। इफ़ यू आर इनटू दैट कलर पैलेट वाला तो आप यहाँ पे थोड़े कलरफुल चीज़ें भी आप ऑप्ट कर सकते हो। नाउ कैप्स और हुडीज़ की मैं बात करूँ, आई वॉज लुकिंग फॉर बैरेट, जो कि मुझे मेरे चॉइस का नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे इतने सारे बिनीज एंड बैरेट के ऑप्शन थे तो यू कैन सर्टनली कम एंड सी यहाँ के कलेक्शन जैसे हैं। यहाँ पे 150 टू 250 की रेंज में आपको काफ़ी सारे आपके कलेक्शंस दिख जाएंगे। नाउ इसी लेन में यहाँ पे आपको जो ट्रेंच कोट्स एंड जैकेट्स, ब्लेजर्स के ऑप्शंस दिखेंगे ना, ये सारे आपको काफ़ी डिफरेंट एनिमल प्रिंट्स में भी मिल जाएंगे। नाउ स्वेटर्स में भी जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़े बहुत जो रोमांटिक स्लीव्स होते हैं ना जिसमें थोड़ी सी लेस की डिटेलिंग या फिर थोड़े से ऐसे फ्लैटरिंग होते हैं, लाइक 200 रुपीज़ तक की रेंज में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट जैकेट्स एंड कोट्स, और हम ग्रैफिटी लेन की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो ग्रैफिटी लेन में भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। लाइक अभी जो वैरायटीज़ हैं ना वो मैक्सिमम आई वुड से पीक पे है। इसके बाद अब जो कलेक्शंस है वो डिक्लाइन ही होती जाएंगी, क्योंकि अब मिक्स होती जा रही है कलेक्शंस और समर्स की भी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम कलरफुल ट्रेंच कोट्स और जैकेट्स और कोट्स तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज न्यूट्रल कलर पैलेट में आप जाना चाहते हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इन है मार्केट में, प्लेड में भी काफ़ी मुझे जैकेट्स वगैरह दिख रहे थे ग्रैफिटी लेन की। नाउ ग्रैफिटी लेन से निकलते ही राइट साइड में ये जो शॉप है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो फर वाले जैकेट्स होते हैं उसके कलेक्शंस, प्लस इनके सामने ही लाइक इसी शॉप में मिक्स्ड कलेक्शन थे, जो कि यहाँ पे ज़ारा बेसिक के आपको जो नॉर्मल बेसिक टी शर्ट्स होते हैं ना वो मिल जाएंगे। ये सारे जो आप जैकेट्स वगैरह फर कोट्स देख रहे हैं ना, ये 350 से लेके 1000-2000 तक की रेंज में जाते हैं गाइज। जैकेट्स वगैरह में भी अब भी जो है ना ऑफर्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे। नाउ अगर आप चेक पैंट्स देख रहे हैं, ट्राउज़र्स देख रहे हैं तो भी आपको काफ़ी सारे ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्कर्ट्स की अगर मैं बात करूं, एंड दिस इज़ द शॉप जहाँ पे आपको ये जो मंदिर है ना इसके बगल में ये शॉप लगाते हैं, एंड यहाँ पे आपको हमेशा समर्स के कलेक्शंस दिख जाएंगे, जो कि समर के स्कर्ट्स के कलेक्शन दिखेंगे। अदरवाइज़ आपको अगर शॉर्ट्स चाहिए वो दिख जाएंगे। सीक्वेंस में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर आप वेलवेट में भी देख रहे हैं ना पैंट्स, या फिर अगर आपको टॉप चाहिए वो भी आपको काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में यहाँ पे मिल जाएंगी। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 150 से 200 रुपये तक की रेंज में आराम से आ जाएंगी गाइज। नाउ जो स्कर्ट्स है ना, स्कर्ट्स में अभी जो स्कर्ट आप देख रहे हो ये सारे विंटर के हैं। थोड़े बहुत अगर आपको समर्स में चाहिए वो भी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो इंसेंस वाली लेन में आपको काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हर बार आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अगर मैं सीक्वेंस स्कर्ट से लेके लेदर स्कर्ट तक की बात करूं वो हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, तो आप लास्ट तक देखते जाइएगा। नाउ इंसेंस के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे ये जो शॉप है, यहाँ पे बैग्स के कलेक्शन, हमेशा जूट के बैग्स आपको मिल जाएंगे। सो इसी लेन में आगे चलते ही आपको काफ़ी सारे क्रॉप टॉप्स दिख जाएंगे। इंसेंस में भी वैसे काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं जिन पे सेल चल रही है, तो अगर आपको पर्टिकुलरली इंसेंस से शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ इसी लेन में इंसेंस की लेन में गाइस इतने सारे कलेक्शन हैं कि आपको 1 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के कलेक्शंस बहुत ही सही लगते हैं मुझे, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट श्रग्स, स्वेटर्स और ये जो नेक की डिटेलिंग होती है ना वो भी काफ़ी मुझे डिफरेंट लगती है। वी नेक से बात कर लूँ मैं, या फिर आपको अगर हाई नेक चाहिए, टर्टल नेक चाहिए, जैसा भी आप खोज रहे ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ पैंट्स वगैरह के भी काफ़ी सारे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, बूट कट पैंट्स भी मुझे दिख रहे थे, स्कर्ट्स के भी ऑप्शन थे। नाउ स्कर्ट में ही यहाँ पे ये हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ अपने वीडियोस में कि अगर आप इस तरह का कोई स्कर्ट देख रहे हैं ना, प्लीटेड स्कर्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉल पे, जो कि हमेशा 200 रुपये का ही इनका ये स्टॉल रहता है एंड काफ़ी कलर ऑप्शंस रहते हैं इनके पास। आगे चलते ही काफ़ी सारे टर्टल नेक्स और हाई नेक्स के मुझे ऑप्शंस दिख रहे थे एंड यहाँ पे अगेन काफ़ी सारे पैंट्स एंड स्कर्ट्स के भी ऑप्शन दिख रहे थे मुझे। नाउ अगर आप यहाँ पे वेस्ट कोट वगैरह भी सर्च कर रहे हैं ना तो भी आपको मिल जाएंगे। एंड ज्वेलरीज़ के कलेक्शन इस पर्टिकुलर लेन में बहुत ही सही होती हैं, बहुत अमेजिंग कलेक्शंस होती हैं, 100 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगी। नाउ दिस वाज द लेदर स्कर्ट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड यहाँ पे मुझे इस बार लेदर स्कर्ट्स और काफ़ी सारे मुझे लेदर में ही ऑप्शन दिख रहे थे। मुझे जनरली लेदर स्कर्ट्स और जो लेदर पैंट्स होते हैं वो सरोजनी में नहीं दिखते थे, बट टू माई सरप्राइज़ इस बार मुझे लेदर स्कर्ट्स भी दिखे थे एंड आई वॉज लिटरली लाइक ओ माई गॉड। लेदर स्कर्ट्स के अलावा यहाँ पे आपको प्लेड में भी काफ़ी सारे आपको मिनी स्कर्ट्स में ऑप्शन दिख जाएंगे, इसके अलावा स्वेड में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेड, यहाँ पे प्लेड में आपको प्लेड फैब्रिक में काफ़ी सारे आपको ट्राउज़र्स के भी ऑप्शंस दिख जाएंगे। नाउ 137 शॉप का ही जस्ट एक दूसरा भाई दिख रहा था मुझे यहाँ पे, इंसेंस वाली लास्ट की एकदम शॉप थी ये, और एग्जैक्टली मैं कहूँगी लाइक 80% इनके कलेक्शन सिमिलर थे शॉप नंबर 137 के। सो अगर आप ये शॉप भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा इसी लेन में आपको काफ़ी सारे स्वेटर्स और बैग्स एंड डेनिम्स के ऑप्शंस दिखेंगे। सो ये जो पर्टिकुलर बैग का जो शॉप है ना यहाँ पे, ये इस शॉप पे क्या होता है कि जस्ट आगे आके यहाँ पे आपको डेनिम के काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जो कि अगर आप डेनिम पैंट देख रहे हैं नॉर्मली या जीन्स वगैरह ये 100 रुपीज़ की रेंज में आपको दिखेगी। नाउ मेरी आदत है कि हर एक चीज़ ऐसे पोक कर करके देखने की, तो आई जस्ट पिकअप एवरीथिंग एंड जस्ट टच द फैब्रिक, फील इट, कैसा है, कंफर्टेबल होगा नहीं होगा, हर एक चीज़ मैं चेक करती हूँ। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन कम एंड ट्राई दिस पर्टिकुलर स्टॉल जहाँ पे 100 रुपीज़ के ये सारे पैंट्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। नाउ बेल्ट्स में इस बार मुझे काफ़ी सारे मैक्रेमे में भी ऑप्शंस दिख रहे थे, 200 रुपीज़ की रेंज में, 150 रुपीज़ की रेंज में भी आपको काफ़ी सारे ये बेल्ट्स के ऑप्शन दिखेंगे। नाउ बेल्ट में भी काफ़ी सारे इस बार मुझे जो स्ट्रैप वाले बेल्ट्स होते हैं ना उनमें भी कलेक्शंस दिख रहे थे। नाउ बहुत सारे जो बेल्ट्स होते हैं जिनमें फ्रंट में डिटेलिंग होती है वो सारे बेल्ट्स जो स्टेटमेंट बेल्ट्स होते हैं ना बेसिकली वो आपको दिख जाएंगे मार्केट में। अदरवाइज जो सिंपल जो ये नॉर्मल बेल्ट्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी रेंज में लाइक 150 तक की रेंज में मिल जाएंगी। सीक्वेंट टॉप्स वगैरह आप देख रहे हैं तो आपको बिग सी वाला जो लेन है ना वहाँ पे बिग सी के जस्ट बगल में ही हमेशा इस वॉल पे सीक्वेंट के कलेक्शंस आपको दिखेंगे, मेशी टॉप्स के कलेक्शंस दिखेंगे, जो कि हर बार मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आपको अगर सीक्वेंट या फिर मेशी टॉप्स के बारे में आप सोच रहे हैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉल पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। बिग सी की जस्ट बगल में लाइक ये तो था राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे अभी ही बैग्स के ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं। 200 से लेके 300 तक की रेंज में आपको अंदर तक ये पूरा जो शॉप है वो पूरा लगा हुआ है एंड बाहर यहाँ पे थोड़े बहुत आपको क्लचेस, हैंड बैग्स और स्लिंग बैग के ऑप्शंस दिखेंगे। क्रॉप टॉप्स के ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ड्रेसेस वगैरह के भी दिखेंगे ऑप्शंस। एक चीज़ मुझे ये लग रही थी कि ड्रेसेस में मुझे जो फ्लोई और जो फ्लोरल ड्रेसेस होते हैं ना प्रॉपर वैसे नहीं दिख रहे थे, ये जो गिंगम एंड ये सारे कलेक्शंस दिख रहे थे मुझे। फिर भी नाउ टॉकिंग अबाउट बेल्ट्स, ये जो वाइड बेल्ट्स है ना, ये सारे बेल्ट्स, और बेल्ट्स में भी पर्ल के ऑप्शन इस बार मुझे काफ़ी सारे दिख रहे थे। सो पर्ल्स हैव सर्टेनली मेड अ कमबैक इन दिस 2021 आई वुड से। और वाइड जो बेल्ट है, जैसे ये रेड कलर का जो बेल्ट है, भैया ने मुझे 450 बोला था, बट मैं वहाँ से चली आई तो 300 तक वो पहुँच गए थे। So if you are looking for such kind of belts, you can come here in Sarojini and look out for such belts. So guys, जिस गिव अवे के बारे में मैं बात कर रही थी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, वो गिव अवे है ये ब्यूटीफुल पॉम्पॉम ड्रेस, जो कि आप सब मुझसे कई बार मुझे वीडियो में बोल चुके हो कि यार तुम गिव अवे क्यों नहीं कर देती इस ड्रेस का। So here it is and I have heard you guys. This is the beautiful dress which I am wearing. This is the pom-pom dress जो कि काफी ज्यादा डिमांड में है और ये मेरे साइज का है। It is of medium size. So whosoever is interested in winning this dress have to follow few simple steps. क्या है वो simple steps वो मैं बताती हूँ। पहली चीज you have to go and follow me on my Instagram. The Instagram handle is this. Also I'll be mentioning everything in the description box below. So जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है थोड़ी confusion हो रही है, description box में देख लेना। Now the second thing which I'm going to ask you to do is, आपको जब मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करोगे, वहाँ पे मैंने इस ब्यूटीफुल ड्रेस के पिक अपलोड की है। यू हैव टू कॉमेंट देयर कि आपको ये ड्रेस क्यों अच्छी लगती है, क्यों चाहिए। एंड अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ दैट दिस इज़ अ मीडियम साइज ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है। सो दोज हु आर ऑफ मीडियम साइज कैन गेट दिस ड्रेस। सो ऑल द बेस्ट गाइज। दिस इज अ सिंगल ड्रेस, जो कि सिंगल ड्रेस मैं गिव अवे करने वाली हूँ। अगर आप में से कोई सिलेक्ट नहीं होता है, डोंट गेट अपसेट। आई विल बी डूइंग मोर एंड मोर गिव अवेज इन द कमिंग मंथ्स एंड यू नो वॉट, ये पूरा ईयर गिव अवे से भरा हुआ होने वाला है। ऑल्सो इस गिव अवे का विनर मैं 1 फेब को अनाउंस करूंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल इटसेल्फ। तो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो विच पार्ट वॉज योर फेवरेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।